फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। और दोस्तों, जैसे ही ये फेस्टिवल दिवाली का पास आता जा रहा है, वैसे ही घर में फटाकों की जो गूंज है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और कल के एपिसोड में ऐसा ही कुछ हुआ, तो चलिए, जिन लोगों ने कल का एपिसोड मिस कर दिया है, फिकर नॉट, क्योंकि मैं आ गई हूँ टॉप 5 हाइलाइट्स लेकर। नंबर 1, दिन की शुरुआत होती है जब दिखाया जाता है कि रोमिल और विकास जो है वो थोड़ी सी अनबन हो जाती है उनके बीच में, और रोमिल जो है वो खफा नजर आते हैं विकास गुप्ता से। पर विकास जो है बड़ी अच्छी तरीके से रोमिल को एक्सप्लेन करते हैं चीजें। उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें इस गेम में रहना है, अपना पॉइंट रखो, लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू बी समटाइम्स, कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप सही और गलत के बीच में चूज नहीं कर पा रहे हो, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और इन सब चीजों को लेकर रोमिल जो है फिर वो मान जाते हैं, वो समझ जाते हैं बात को, ना कि श्रीसंत की तरह बहसबाजी करने में लग जाते हैं। सो यस, रोमिल और विकास के बीच में बहस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब विकास समझाते हैं तो रोमिल मान जाते हैं उस बात को। नंबर 2, नया दिन शुरू होता है नए गाने के साथ, और घर में काम चालू होता है विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे का, वो काम जिसके लिए उन्हें घर में भेजा गया है। जी हाँ, यानी सभी कंटेस्टेंट्स को ये एक्सप्लेन करना कि वो आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इस पर शिल्पा शिंदे जो है वो रोमिल से बात करती हुई नजर आती है कि आप सही लोगों के साथ उठो बैठो। मुझे लगता है उनका इशारा श्रीसंत की तरफ था, लेकिन उसके अलावा विकास गुप्ता जो है वो साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं केवी को कि आप दीपक की तरह थोड़ा अग्रेशन लाइए अपने अंदर। आप गेम खेल रहे हो, आप बहुत सही खेल रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अग्रेशन दिखाना आपको जरूरी हो जाता है। ये सब बातें कहते हुए नजर आए विकास गुप्ता, और घर के बाकी सदस्यों को भी ये लोग समझाते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होकर खेलने की जरूरत है, नेगेटिव जोन में नहीं पर अग्रेसिव होके खेलने की जरूरत है, पैशनेट होके खेलने की जरूरत है। सो ये सारी चीजें करते हुए नजर आए विकास और शिल्पा। नंबर 3, जो टास्क दिया गया था घर वालों को, यानी कि बीबी गांव की रंगोली टास्क जो था, उसमें मेघा धड़े और सुरभि के बीच में फाइट नजर आती है, जहाँ पे मेघा जो है वो उनके जो रंगोली वाला एरिया होता है, दूसरी टीम का रंगोली एरिया, वहां पर जाकर लेट जाती है, और सुरभि जो है वो फिर इस तरफ आकर उतना ही इक्वली चीजें खराब करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन देखने को मिली टास्क के दौरान, जो कि सिर्फ ऑल इन गुड टर्म्स था, टास्क में ही था। कहीं ना कहीं लड़कियां जो है इस बार टास्क में कुछ ज्यादा ही सुपर परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। वहीं अगर मैं बात करूं मेल्स की, यानी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं श्रीसंत की, तो वो हर टास्क की तरह आउट ऑफ द टास्क रहना ही प्रेफर कर रहे थे, जैसा वो हर टास्क में करते हैं। तो यस, अगर बात करी जाए सिर्फ सुरभि और मेघा की, तो दोनों में काफी कॉम्पिटिटिव जोन था और दोनों काफी अच्छी तरीके से लड़ाई के बावजूद गेम को स्पोर्टिंगली लेती हुई नजर आई। नंबर 4, श्रीसंत एक बार ऑलरेडी रोहित के बारे में काफी नेगेटिव बातें कर चुके हैं जब से इस घर में आए हैं, काफी डबल मीनिंग और बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स वो पास कर चुके हैं। लेकिन इस बार विकास गुप्ता जो कि घर में आए हुए मेहमान है, आपको ये तक नहीं पता कि कोई सेलिब्रिटी मेहमान अगर घर में आया है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, तो देन ऑनेस्टली यू शुड गेट आउट ऑफ द शो, ऑनेस्टली सेइंग दिस। और अगर बात करूं मैं विकास गुप्ता और श्रीसंत की, तो ये दोनों ही भिड़ते हुए नजर आए। श्रीसंत जो है वो विकास गुप्ता पर एक बहुत ही ल्यूड कमेंट पास करते हुए नजर आए, जो कि उन्होंने कहा कि अगर मर्द है तो खड़ा होकर दिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा वल्गर और न्यूड कमेंट है। आपको ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर, या पर्सनल लाइफ में भी किसी को भी ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। और इसी के साथ घर में बहुत बहस हो जाती है, जिस पर विकास गुप्ता कहते हैं आपकी बदतमीजी मैंने देख ली, जो कि सही है। सो फिर सब घर वाले उन्हें समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रीसंत तो श्रीसंत है और उन्हें बदतमीजी करनी है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता बदतमीजी करने से। यस, दिस वाज श्रीसंत स्टेटमेंट। नंबर 5, विकास गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं जब चीजें सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, इस बीच में श्रीसंत जो कि शायद एक मौका ही ढूंढ रहे थे केवी से लड़ने का, उनकी और केवी की जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हाथापाई तक बात आ जाती है। जी हाँ, केवी जिस साइड पे खड़े होते हैं
वहाँ पे जो घर बनाए गए हैं टास्क के लिए, उस दौरान जो है लड़ते झगड़ते एक जो दीवार है वो गिर जाती है, और जैसे ही वो दीवार गिरती है तो वहाँ आसपास जितने लोग होते हैं सब गिर जाते हैं, और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सबको आकर मिलकर श्रीसंत और केवी को रोकना पड़ता है। हालांकि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे केवी की गलती कहीं पर भी नजर नहीं आई, इट वॉज ऑल श्रीसंत जो कि पूरा टाइम अग्रेशन के जोन में थे, पूरा टाइम वो अननेसेसरी अग्रेशन के जोन में थे। उन्होंने जैसे टास्क शुरू हुआ मुझे लगता है वो सिर्फ इस मौके की फिराक में थे, कब वो बात करेंगे, कब वो लड़ना चालू करेंगे केवी से, और काफी टाइम से वो शायद इस जोन में चल रहे थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब दीपिका जो है वो केवी से बात कर रही है आकर, जब जैसे तैसे घर वालों ने इनकी लड़ाई रोकी, दीपिका आकर केवी से बात कर रही है, लेकिन इतने में श्रीसंत जो है वो आ जाते हैं और वो लड़ाई चालू कर देते हैं दीपिका से कि आप झूठ बोल रही हैं, आप भी ऐसी हैं, आप गलत हैं, और उस पर दीपिका की भी नेक्स्ट डे फिर लड़ाई हो जाती है श्रीसंत से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था देखकर, बहुत इरिटेटिंग जोन चालू हो गया था श्रीसंत को देखकर, ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें ना ही दिखाया जाए, कैमरा उन पर ना ही जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सो दोस्तों ये थे कल के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स। आपको कल का एपिसोड कैसा लगा और आज का ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।